ये आपने सही कहा, अब मैं उनको थोड़ा नचा सकता हूँ. तो दूसरी फिल्म वो है, इट्स अ रोमांटिक फिल्म, यंग रोमांस. तीसरी फिल्म जो है वो, उसमें मैं काम कर रहा हूँ. इसके बारे में मैंने अभी तक बताया नहीं कहीं पब्लिकली कि वो क्या फिल्म है. तो वो अभी भी मैं बता नहीं सकूंगा. हाँ मैं टाइटल बता देता हूँ, टाइटल लॉक हो गया. नहीं टाइटल, चलिए टाइटल बता देता हूँ मैं. इसका टाइटल है सितारे जमीन पर. आप लोग को याद है मेरी फिल्म आई थी तारे जमीन पर. जी जी. इस फिल्म का नाम है सितारे जमीन पर क्योंकि वो उसी थीम को लेके हम अब 10 कदम आगे जा रहे हैं. तारे जमीन पर इमोशनल फिल्म थी, ये आपको हंसाएगी, वो आपको रुलाती थी, ये आपको एंटरटेन करेगी. थीम वही है, इसलिए हमने नाम वो रखा है बहुत सोच के कि हम सब में खामियां हैं, हम सब में कमजोरी है और हम सब में कुछ ना कुछ खास बात भी है. तो वही थीम हम आगे ले जा रहे हैं. लेकिन इस दफा जो स्पेशल चाइल्ड था उसमें दर्शील का जो रोल था अपना ईशान का, मेरा किरदार उस कैरेक्टर को हेल्प करता है तारे जमीन पर में. सितारे जमीन पर में ये 9 बंदे जिनकी कई तकलीफें हैं वो मुझे हेल्प करते हैं. तो उल्टा है, स्टार्स ऑन अर्थ नहीं है, ये सुपर स्टार्स ऑन अर्थ है. तो वो जो 24 घंटे काम करने वाला आमिर खान था जी, और अब ये जो 6 बजे घर जले जाने वाला आमिर खान है, हाँ, हाँ. इसको डर नहीं लगता कि फिल्म में कुछ कमी न रह जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं. मुझे लगता है कि देखिए, हर काम आप समझदारी से भी कर सकते हैं, पैशन से भी कर सकते हैं. फिर एक होता है पागलपन का लेवल, और फिर उसके भी आगे मैं वो था. तो अभी मैं पैशन के साथ करता हूँ, थोड़ा बहुत पागलपन भी है वो है, लेकिन वो जो टोटली आउट ऑफ द पार्क था वो नहीं कर रहा हूँ मैं. उसी जोश से मैं काम कर रहा हूँ. मुझे बहुत मज़ा आता है फिल्मों के साथ, मतलब फिल्मों में काम करके, वही मेरी ज़िंदगी है. तो मेरे बच्चे मुझे वही कह रहे थे कि आप बोल रहे हैं कि आप छोड़ पाएंगे, लेकिन आप छोड़ नहीं पाएंगे. और अगर आपने छोड़ दिया, जो आप ज़िद पे अड़ गए और आप छोड़ ही देंगे क्योंकि आप ज़िद्दी हैं, तो फिर आप अगले 20 साल बहुत दुखी रहने वाले हैं. तो मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा समझदार निकले. हाँ, क्योंकि मंसूर खान ने तो छोड़ ही दिया था. हाँ, मंसूर ने छोड़ दिया और मैं भी छोड़ ही देता, मेरे बच्चों ने रोक लिया. एक्चुअली मैं इमोशनली बड़ा हर्ट था अपने आप से. और मुझे लगा मैंने बड़ा गलत किया है, और उसका कोई, उसका प्रायश्चित यही है कि मैं अब उस चीज़ से दूर हट जाऊँ जो मुझे, जिसने मुझे खींचा है. तो मैं प्रायश्चित के मोड पर था. फिर मेरे बच्चों ने समझाया कि नहीं, आप इतने बुरे भी नहीं है. तो इतना लंबा सफर जो करियर का रहता है जी, उसके बाद ये ख्याल नहीं आता कि लोग आमिर खान को, आप कह रहे हैं लेबल दे दिया मिस्टर परफेक्ट. जी जी. लेकिन कौन सा लेबल है जो दिया जाए? एक्चुअली मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं इतना बदला हूँ इतने 35 सालों में, मैं खुद अपने आप को पहचान नहीं पाता हूँ. क्योंकि एज आई हैव ग्रोन फ्रॉम, यू नो, 18 साल का था जब मैं असिस्टेंट बना, और तब से लेके अब तक जो मेरी जर्नी रही है, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, उसमें इतनी चीज़ें हुई हैं, और जहाँ तक मैं आज मैं पहुँचा हूँ उसमें इतने लोगों का हाथ भी है. वो सिर्फ मेरी वजह से मैं नहीं पहुँचा हूँ, बहुत लोगों का इसमें कनेक्शन होता है. हमको लगता है हम हर चीज़ अकेले कर, ऐसे नहीं होता. हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यू नो, वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर, आई बिलीव दैट. तो इस जिंदगी में मैंने बहुत कुछ सीखा. और जब आप मुझे पूछेंगे आप क्या हो, तो 18 साल की उम्र में मैं एक था, फिर 21 में, फिर 25, 30, आज मैं 58 का हूँ. आज मैं एकदम अलग हूँ, बल्कि 2.5 साल पहले से मैं अलग हूँ. और आपके, आप अपने आपको फादर के रोल में ज़्यादा डिफाइन कर रहे हैं, आपके फादर तो स्ट्रिक्ट थे हमने सुना. हाँ, मेरे फादर बहुत लविंग भी थे, बट उनका गुस्सा थोड़ा तेज था, तो हम लोग काफ़ी डरते थे उनसे. तो जब घंटी बजती थी घर में, हम लोग छुप जाते थे, कमरे में जाके बैठ जाते थे, क्योंकि वो कभी कब डांटेंगे कुछ भरोसा नहीं था. तो वी टू बी क्वाइट स्केर्ड ऑफ हिम, बट ही वॉज ऑल्सो इक्वली लविंग. अब्बाजान वॉज ऑल्सो वेरी लविंग, एंड ही वॉज अ पर्सन. आपको लगता है आज बड़ी डांट पड़ने वाली है, तो उस दिन डांट नहीं पड़ती थी, वो गले लगते थे. जिस दिन आपको लगता था आज बड़े छबाशी मिलेगी, उस दिन डांट पड़ती थी. सो
बट ही इज गिवन अस ए वेरी गुड लाइफ. आई थिंक अम्मी एंड अब्बाजान बहुत हमको एक बहुत ही सिक्योर और अच्छी जिंदगी दी है. एंड अम्मी हैज़ बीन अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन मी. द वन पर्सन इन माई होल लाइफ हु हैज़ बीन द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन मी इज अम्मी. और मैं आज जो कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, वो उनकी वजह से है. और वो बहुत ही खास इंसान है मेरे लिए. तो एक्चुअली मुझे लगता है कि पहले ना किशोर, मैं ऐसा आई वॉज इन अ ड्रीम वर्ल्ड और आई डोंट नॉट एक्सप्लेन इट. मेरा ध्यान क्रिएटिविटी में इतना था कि मुझे, जब मैं आपसे भी बात करता था ना 2.5 साल पहले, आपको शायद ये फर्क महसूस होगा. अब मैं आपकी आंखों में देख के स्थिर होकर मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ. पहले वो नहीं होता था. मेरा माइंड आपसे बात कर रहा है लेकिन मैं 10 चीज़ें और भी सोच रहा हूँ. एवरीथिंग इज सॉफ्ट. ह्यूमन बींग्स आर सॉफ्ट फॉर मी. ओनली फिल्म्स वॉज शार्प फॉर मी. अब मेरे लिए ह्यूमन बींग्स शार्प हो गए. ये फर्क आया. मुझे याद है कि अब इंसान मेरे लिए ज्यादा अहमियत रखने लगे. सत्यमेव जयते वगैरह मेरा काम नहीं. सेट्स वगैरह पर भी आप एक एक चीज पे इतना रीशूट तक करवा देते थे. और खैर वो ज्यादातर तो लाइव होता था. जो मेरे शॉट्स होते थे, मैं अक्सर लोगों के नाम गलत ले लेता हूँ. तो वो नाम गलत लेता था तो उसका पिकअप हम लोग लेते थे कभी कभी. हाँ तो अब लोग कहते थे नहीं ये तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट है, इनको तो सब नहीं कुछ... वो क्या है, अब लोग जो है एक चीज लेबल आप पे लग जाता है, फिर आप वो हो या ना हो वो आपको लोग वही बुलाते हैं. तो ठीक है, परफेक्शनिस्ट होना भी अच्छी बात है. हाँ, अब जब जर्नी को आप देखते हैं इस 2.5 साल के बाद, कि उस 2.5 साल में तो आप पर्सनल जर्नी पे थे और अब आप फिर फिल्मों की तरफ आ रहे हैं. पहले आप 18 साल की उम्र में फिल्मों की तरफ गए. कोई रिग्रेट कि ये एक चीज इधर हो जाती, जैसे टेनिस खेलना? हाँ नहीं, आई थिंक मेरा एक ही रिग्रेट है कि काश मैं जब 18 साल का, जब मैं फिल्मों में मैं दाखिल हुआ तब से लेके अब तक, काश मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बेहतर बैलेंस कर पाता. वो एक ही रिग्रेट है क्योंकि वो मुझे वापस नहीं मिलेगा. और ऐसा नहीं है कि अच्छा, मैंने ये भी सोचा कि 56 पे की उम्र पे मुझे ये एहसास हुआ. अगर 56 की उम्र पे नहीं होता और 80 की उम्र पे होता तो तब तो और बेड़ा गर्क हो जाता, मुझे और तकलीफ होती. तो मैं सोचता हूँ कि अच्छा हुआ कि मैं जो 56 पे रियलाइज हुआ तो मैं अपने परिवार पे, अब मेरा ध्यान आ गया है, मेरे बच्चों के साथ मैं ज़्यादा नज़दीक आ गया हूँ, अम्मी के साथ हर वक्त बिता रहा हूँ. तो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है. And I'm grateful that has happened. मुझे, you know, I'm very grateful that has happened. Yeah. और अब तो अभी acting में नहीं, production producer बन के ही. हाँ, मैं काफी फिल्में produce कर रहा हूँ. मुझे लगता है कि जो अगले मेरे 10 साल हैं, मुझे बहुत ही robust जीने हैं. मुझे अपने family के साथ जो एक नया एक connection हुआ है वो मुझे पूरी तरह हर रोल के लिए एंजॉय करना है. हर रोल के लिए बॉडी को वो अभी भी होगा. हाँ, वो सब चीजें, वो पागलपन अभी भी होगा. धार कम नहीं होगी. धार कम नहीं होगी लेकिन मैं बेटर बैलेंस कर पाऊंगा. और मुझे लगता है कि ये एक सफाई से मुझे चीज समझ में आई है कि जो इंसान मेरे सामने है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि कोई और चीज, ना आपका काम, ना आपका पैशन. वो चीज मुझे एक्चुअली मेरे लिए बड़ा, बहुत बड़ा चेंज हुआ है. और हम सब उम्मीद करेंगे कि वो दर्शकों के लिए तो एक अच्छे सिनेमा को ही जन्म दे और बेहतर सिनेमा को जन्म दे. जी जी, जैसा आपने कहा कि धार कम नहीं होनी चाहिए. हाँ, धार कम नहीं होनी चाहिए. एक्साइटमेंट मेरी वही है. अलके बह सोचता हूँ कि अब जब मैं पर्सनल साइड में इतना मेरा ध्यान और झुकाव हो रहा है तो आपको ताज्जुब होगा, मुझे सीन्स अलग नजर आ रहे हैं. मैं जब राजी के साथ भी, जो मैं फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ सनी के साथ, हम लोग उसके स्क्रिप्ट पे बैठ रहे हैं आजकल. फाइनल ड्राफ्ट बन रहा है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है. तो मेरा एक्चुअली माइंड अब अलग चलने लगा है क्योंकि मैं अभी पर्सनल के बारे में ज़्यादा सोचने लगा हूँ. तो आई फील दैट एक अलग एनर्जी आएगी मेरे काम में, आई होप. और दर्शक भी शायद यही होप करेंगे कि वो एनर्जी जो है वो फिर से वैसी इन्फेक्शस हो जैसी रही है. आई होप सो. बहुत बहुत शुक्रिया आमिर. थैंक यू. इस
आमिर खान शुक्रिया आमिर, शुक्रिया किशोर आपका। और न्यूज 18 इंडिया अमृत रत्न को प्रेजेंटेड बाय राजेश मसाला, को पार बाय डॉलर इंडस्ट्रीज, फिनोलेक्स केबल्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑटो पार्टनर किया सोनेट, एजुकेशन पार्टनर नाराना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के इस